So when we are talking about the women health, so we all know that women are neglected because what happens, we are ignoring ourselves. हम हमेशा बच्चों में या फिर अपनी फैमिली में ही इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वी ऑलवेज गेट दिस थिंग कि पहले वो ठीक रहे, देन वील टेक केयर ऑफ आर सेल्फ. सो वी जस्ट फॉरगेट आर हेल्थ. तो उसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम डिफिशियंसी, विच इज मोस्ट कॉमन, वी हैव हर्ड अबाउट इट ना, विटामिन डी, कैल्शियम. तो बहुत जल्दी जल्दी ही 40s में ही उनको आजकल नी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं. इवन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स तो बहुत ही कॉमन है, जो कि स्टार्ट होती है व्हेन द पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द मेनार्के स्टेज से स्टार्ट होती है, और जब तक वो मेनोपॉज होती है तो कहीं ना कहीं स्टेज पे उनको हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इफेक्ट करती है, चाहे वो इरेगुलर पीरियड्स हो. अगर पीरियड्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, सपोज पीसीओडी नहीं है, नहीं है कुछ भी, थायराइड भी हो सकता है, लाइक मी, मेरे को थायराइड लाइक इट इज फ्रॉम वेरी लॉन्ग कि मुझे हाइपोथायराइड है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है. तो इसलिए, और एक आयरन डिफिशियंसी तो बहुत ही कॉमन है बिकॉज हम अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते. आजकल मैंने ये भी देखा है कि विमेन अपनी हेल्थ से ज्यादा वो ब्यूटी पे कंसर्न करते हैं कि ना हम पतले लगने चाहिए, बस हमें फिट रखना है, फिट नहीं रखना, बस खुद को स्लिम दिखाना है, बट वो अपने बारे में ये नहीं सोचते कि हमें न्यूट्रिशन पूरा लेना है. उसकी वजह से उनको कोई ना कोई डिफिशियंसी आ जाती है बॉडी में, जहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है. तो दैट इज ऑल्सो अ मेजर थिंग. तो क्या आयरन डिफिशियंसी, बायोटिन डिफिशियंसी, यू हैव सीन कि हेयर फॉल बहुत जल्दी होता है गर्ल्स में, पिंपल्स की भी प्रॉब्लम, एक्ने की प्रॉब्लम हो गई, या हार्मोनल चेंजेस की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स हैं, या होता है ना पिगमेंटेशन है, ये सारी प्रॉब्लम्स अधिकतर वेमेन में ही ज्यादा पाई जाती है. बिकॉज एक तो वो स्ट्रेस बहुत लेती हैं और फैमिली को देखते देखते अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं. तो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम जो वुमेन फेस करती है. तो वी शुड ऑलवेज बी फर्स्ट, जब तक हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे वी कांट टेक केयर ऑफ आर फैमिली. तो वी शुड बी अवेयर ऑफ आर सेल्फ फर्स्ट, आर हेल्थ, एंड देन वी कैन टेक केयर ऑफ देम. क्योंकि वो भी अच्छा रहेगा ना कि पहले आप अपने आप को, कहते हैं ना कि जब आप एरोप्लेन में भी जाते हो तो फर्स्ट सेफ्टी किसकी रहते हैं, कि पहले खुद की सेफ्टी करो एंड देन यू हेल्प अदर्स. तो आप खुद का नहीं कर पाओगे ध्यान, तो हाउ विल यू, यस मैम. सो दैट इज वेरी एक्चुअली वुमेन हेल्थ में हमारा खुद का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी, कि हम लोग खुद अपने से ध्यान रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैम, कॉमन हार्मोनल इश्यूज जो होते हैं फॉर स्पेशली लेडीज एक्चुअली, सो हाउ टू डिस्क्राइब दैट, हाउ वुमेन फेस दैट प्रॉब्लम एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट ऑल्सो, दोज प्रॉब्लम गो थ्रू. ओके. सो जस्ट आई नो, क्योंकि वही मैंने जो पहले क्वेश्चन में भी बताया आपको कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. सो आई जस्ट ब्रीफ देम आउट कि अगर हम हार्मोनल इश्यूज की बात करते हैं तो एक तो आपका हार्मोन्स इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से जो वो गड़बड़ करते हैं तो आपका पीसीओडी बहुत कॉमन हो जाता है. अच्छा, पीसीओ भी होता है, एक पीसीओडी भी होता है. एक तो होता है सिंपल पीसीओ इन द सेंस पॉलिसिस्टिक ओवरीज, जिसमें अभी आपके सिर्फ साइंस आए हैं, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. तो वो सिंपल सिंपल चीजें होती हैं जो कि आप डाइट से, हेल्दी लाइफस्टाइल से, बहुत सारी चीजों को चेंज करोगे एंड इट गेट्स रेड ऑफ. और एक होता है जो सिंड्रोम की तरह कन्वर्ट हो जाता है, जब आप उसको ध्यान नहीं देते हो, बहुत मेजर वो आगे तक खिंच जाता है ना, तब वो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करता है. तो उसमें आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है. देन एक आता है थायराइड हार्मोन. थायराइड हार्मोन भी आपको पता है कि हाइपोथायराइड, दैट मीन्स टीएसएच लेवल जो आपका आपका बढ़ने लग जाता है, इन द सेंस थायराइड हार्मोन ज्यादा बनने लग जाता है कैपेसिटी से, तो वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आने लग जाती है, वेट गेन हो जाता है. देन अच्छा, जो फेशियल हेयर्स है, देयर आर ऑल्सो अ रीजन कि आप फेशियल हेयर क्यों होते हैं, खाली पीसीओ की वजह से नहीं होते, कई बार थायराइड की वजह से भी होते हैं. तो जैसे मेरे साथ भी हुआ था, जब मुझे स्टार्ट हुआ थायराइड तो आई वॉज ऑल्सो वेरी डिस्कम्फर्टेड कि क्या प्रॉब्लम है, कि पीसीओडी तो नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपका थायराइड में भी क्या होता है, आपकी रेगुलर साइकिल्स नहीं आती, कई बार 3-3 महीने आपकी साइकिल स्किप हो जाती है, एंड एक ही तरफ डॉक्टर तो आपको बता देता है ना कि पीसीओ ही होगा, बट इट इज नॉट द केस. आप जब टेस्ट कराओगे ना प्रॉपर, तो पता चलता है कई बार थायराइड की वजह से आ रहा था. तो मेरा जैसे थायराइड डायग्नोज हुआ, थायराइड डायग्नोज होते ही जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो एवरीथिंग गॉट इन प्लेस, तो सारी चीजें आपकी प्लेस में आ जाती हैं. तो लेकिन ये जो आपके हार्मोन्स इश्यू की वजह से पिंपल्स हैं, वो तो हम आराम से ठीक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिगमेंटेशन भी ठीक हो जाती है, बट जब हेयर ग्रोथ हो जाती है, सपोज फेशियल हेयर आ रहे हैं, तो दे कांट बी रिवर्स्ड. ये नहीं हो सकता जो आ चुके हैं उसको आप बंद कर दो, बट हाँ, और फेशियल हेयर नहीं होंगे वो हम कर सकते हैं, हार्मोन्स को हम ट्रीट कर सकते हैं, और सारी चीजें हम ठीक कर सकते हैं.
तो दैट कैन बी पॉसिबल. बट एक चीज होती है कि कहते हैं ना कि इनको भी हटा दो, तो उसके लिए तो आपको ट्रीटमेंट ही करानी पड़ती है, चाहे आप लेजर कराओ या कुछ भी थेरेपी आपको करानी पड़ेगी, तभी आप उससे जो हो चुके हैं वो रिवर्स हो सकते हैं. बट अदरवाइज आप बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो. अच्छा, एक और हार्मोन होता है जो मेजरली इफेक्ट करता है विमेन, वो तो फीमेल मेल्स दोनों को करता है, दैट इज द इंसुलिन हार्मोन. इंसुलिन इनसेंसिटिविटी जो होती है, जिसकी वजह से भी कई बार लोगों को पीसीओएस हो जाती है, क्योंकि जब उनका लाइफस्टाइल और खाना पीना सब गड़बड़ होता है तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो उतना नहीं बनता जितना उसको बनना चाहिए फॉर दी प्रोडक्शन फॉर दिस थिंग कंट्रोलिंग द शुगर लेवल. तो जब वो एक्सेस इंसुलिन होगा आपके ब्लड में तो वो भी आपको कहीं ना कहीं हार्मोन दूसरे हार्मोन्स को लाइक प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन इनको इफेक्ट करता है. इवन स्ट्रेस हार्मोन भी इफेक्टेड होते हैं कॉर्टिसोल. सो ऑल दीज आर अ साइकिल, एक साइकिल में ही है सारे के सारे हार्मोन्स. आप हर चीज को ठीक करते हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है. मीन्स यू हैव टू मैनेज इट प्रॉपरली विद द लाइफ स्टाइल विद योर, मतलब एक कहते हैं ना कि क्या क्या करना चाहिए कि हम ये सब चीजें करें. आई पर्सनली फील कि स्ट्रेस की वजह से वो हार्मोन लाइक इम्बैलेंस हो जाता है. आई डजंट फील लाइक इट्स कंप्लीट एंजाइटी काइंड ऑफ फीलिंग, डिप्रेशन. यस मैम. और ये भी विमेन में ज्यादा होता है. हाँ, ये भी विमेन में ज्यादा होता है क्योंकि उनमें हार्मोन ज्यादा होते हैं ये वाले. तो जब आपका कहीं पे कॉर्टिसोल इंक्रीज होने लग जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपके ओवरी जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है उसको भी इफेक्ट करने लग जाता है. तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा स्ट्रेस में इसके पीरियड्स जल्दी आ गए या फिर स्ट्रेस में पीरियड्स डिले हो गए, तो वो सारी चीजें भी आपके स्ट्रेस हार्मोन से भी रिलेटेड होती है. तो इट इज ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. इवन यहाँ तक कि मेल हार्मोन होते एक होता है टेस्टोस्टेरोन, वो भी कई बार हमारा ज्यादा प्रोडक्शन में आ जाता है तो वो भी हमें प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से आपके फेशियल हेयर ग्रोथ आ जाती है. तो देयर इज नॉट ओनली वन रीजन कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है, बट देयर कैन बी मल्टीपल रीजन. तो जब तक वो डायग्नोस नहीं कराते तब तक हाउ वी कैन ये प्रॉब्लम लाइक मैनेज में वे में बोल रहा हूँ. सबसे पहले तो आपको टेस्ट करानी पड़ेगी. अगर दीज आर दी प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग, जब तक आपको टेस्ट का रिजल्ट ही नहीं पता चलेगा कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है या आपके सारे सपोज सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, नथिंग इज अ प्रॉब्लम, तो फिर आपको उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी. अगर कोई प्रॉब्लम है सपोज टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है तो फिर हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं. सो दैट इज वाई कि आपको रूट कॉज नहीं पता होगा तो देन हाउ कैन यू मैनेज इट. अगर सपोज पता चलता है आप चेकिंग कराते हो कि मैंने कईयों को देखा है कि हमारा वेट बढ़े जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा, एंड देयर थायराइड लेवल जब हम चेक कराते हैं तो थायराइड लेवल इज लाइक बिल्कुल मार्जिनल लेवल पे होता है. जैसे अगर 5 की वैल्यू है आपकी TSH की तो इट इज कमिंग 6 या 7, तो 6 या 7 है तो भी आपका वेट नहीं कम होगा और वो आपके सिम्टम्स देना स्टार्ट कर देगा. तो कहीं ना कहीं उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं डाइट से, अगर आपको उस टाइम पे मेडिसिन नहीं लेनी तो. लेकिन आजकल है कि आयुर्वेदा मेडिसिन या होम्योपैथिक आई रिकमेंड कि आप वो ले लो अगर आपका लेवल पे ही है बिल्कुल बिल्कुल, इट इज नॉट गोइंग 10 से अबव. तो इफ यू डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट योर थायराइड मेडिसिन यू कैन डू इट विद द लाइफ स्टाइल, बट देन यू हैव टू मेक इट अ चेक. आप हर महीने चेक करो उसको थायराइड लेवल को. सो मैम लाइक व्हाट आर द कॉजेस एंड द सिम्टम्स फॉर द PCOD? ओके, सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेनली PCOD, सो देर आर सो मेनी रीजन. देर कैन बी जेनेटिक्स ऑल्सो. समटाइम्स जेनेटिक्स में भी जीन्स में भी होता है कि आपको कहीं ना कहीं मदर या ग्रैंड मदर इन सबको कोई सिम्टम्स हो. और क्योंकि पहले क्या होता था, लोग कभी भी चेक नहीं कराते थे, दे नेवर न्यू इट, क्योंकि वो लोग नहीं पता था. अब आजकल लोगों को ज्यादा सिम्टोमेटिक होने लग गया है, पता चलने लग गया कि हाँ ये प्रॉब्लम है. तो जीन्स कैन बी अ रीजन. देन सेकेंड रीजन इट कैन बी लाइफ स्टाइल. तो जो आप लाइफस्टाइल आप करते हो, जो आजकल हमारा चेंज हो चुका है ना लाइफस्टाइल, जैसे कि हम आजकल बाहर का खाना बहुत ज्यादा होने लग गया, घर का हम बहुत कम खाते हैं. दैट यू मस्ट बी नोइंग कि आजकल इतने एक्सेसिबल है, स्विगी है, जोमेटो है, यू कैन ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड. तो अब बाहर कैसे खाना बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, क्या चीजें यूज हो रही है, यू डोंट नो अबाउट इट. तो वो जब आप ऑर्डर करके खाते हो, और ये मैंने देखा है कि आजकल की यंग जनरेशन में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दे आर ईटिंग ईटिंग आउट नहीं, अगर वो समझते ईटिंग आउट ही करना है तो वो घर मंगवा लेते हैं. तो दैट इज ऑल्सो सेम थिंग ना, कि ईटिंग आउट हुआ या घर पे खाया, बात तो एक ही चीज है. या फिर कई बार होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी हो जाता है कि आप खाना तो बिल्कुल घर का खा रहे हो बट आप बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल बैठे हुए हो. आप जैसे कई लोगों का मैंने देखा है कि सिर्फ बैठे बैठे वो पढ़ते रहते हैं बिकॉज दे आर स्टडिंग, 12th में है सपोज, या फिर कुछ ना कुछ अच्छा हायर स्टडीज कर रहे हैं, एंड दे डोंट गेट themselves this time कि वो एक घंटा तो अपने लिए निकाल कर कुछ एक्सरसाइज करे. तो उसमें भी ये रीजन होता है, क्योंकि उसमें अगेन स्ट्रेस आ जाता है ना,
व्हेन यू आर सिटिंग एट वन प्लेस एंड डूइंग समथिंग, तो आप कहीं ना कहीं आपका मेंटल स्ट्रेस इन्वॉल्व होता है, तो उसकी वजह से भी ये इसका रिजल्ट आ जाता है कि पीसीओडी वो कन्वर्ट हो जाता है. इवन मैंने ये देखा है कि कई लोग कहते हैं कि हम तो बाहर का भी नहीं खाते, हम तो एक्सरसाइज भी करते, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट लोगों को पता ही नहीं होता आजकल जो पैकेज्ड फूड्स होते हैं उनमें भी कितने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स. तो वो कहते हैं कि जी हमने तो ऐसे बाजार से लेकर कुछ नहीं खाया, बट घर में सपोज मखाने ही समझ लो, मखाने का पैकेट था, हमने बाहर से लिया और खा लिया, हो सकता है उसमें MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो. तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हिडन होती हैं, जो आपको पता ही नहीं होता कि क्या चीजें हैं. तो आप कोशिश करो कि हम कम से कम आप बाहर का खाओ और घर का मेनली आप चेंज कर दो. तो जितना भी हो सकता है वो करोगे तो उससे बहुत बेटर होता है. बाकी स्ट्रेस तो मैंने आपको अभी बोला ही है कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन होता है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर. दिस इंक्लूड्स वेट गेन एंड वेट लॉस आल्सो. That is true. तो मैंने ये भी देखा है कि जैसे आजकल मेरे पास वेट गेन की बहुत क्वेरीज आ रही थी कि आप हमारा वेट गेन कराओ. That I've seen on my page कि बहुत सारे लोग हैं कि वेट गेन कहते हैं, वेट गेन नहीं हो रहा. बल्कि जब मैं किसी वेट लॉस क्लाइंट को बोलूंगी ना वेट गेन के लिए, अरे मैम आप क्यों बताते हो वेट गेन तो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि किसी को भी किसी की प्रॉब्लम नहीं समझ में आती ना, तो इसलिए उनको ये लगता है वेट गेन इज सो इजी. नहीं, वेट गेन भी बहुत डिफिकल्ट है. क्योंकि क्या होता है, जब आपका सपोज पीसीओडी है और आपकी हार्मोन्स वो सिक्रीट नहीं कर पा रहा या वो पीरियड्स नहीं आ पा रहे, तो आपको उल्टी तरीके से कहते हैं ना, स्ट्रेस मोटा भी कर सकता है और पतला भी कर सकता है. वही सेम चीज है पीसीओडी को भी, अगर आप अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे तो कई लोगों का वेट पुट ऑन हो जाता है, कई लोग वेट लूज कर लेते हैं क्योंकि वो कुछ खा नहीं पाते हैं, उनको भूख ही नहीं लगती, उनका मन ही नहीं करता, उनके मूड स्विंग्स इतने चल रहे होते हैं कि बिल्कुल भी दे आर नॉट एट ऑल सीइंग देयर हेल्थ, तो वो कहीं ना कहीं उनका वेट ड्रॉप होना. सो मैम, डू वी नीड टू फॉलो एनी काइंड ऑफ डाइट रिगार्डिंग हु हैव अ पीसीओडी प्रॉब्लम, जिनको पीसीओडी हो, सो वो कोई डाइट करे या कुछ समथिंग कैन शेयर काइंड ऑफ टिप टू अस? या तो जैसे अगर हम पीसीओडी की बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि हमारे पास पीसीओडी की डाइट है, तो पीसीओडी की कोई ऐसी कोई स्पेशल डाइट नहीं होती कभी भी. आई टोल्ड यू ना कि देयर आर सम थिंग्स विच हैव टू बी अवॉइडेड, तो वो कम्प्लीटली अवॉइड होना चाहिए. जैसे कोला हो गया, बेवरेजेस हो गए, ये सोडाज हो गए, ये सब आपको बिल्कुल अवॉइड करना पड़ता है. जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना पड़ता है. मेनली हाई फाइबर डाइट लेनी होती है, जिसके अंदर आपका जैसे ओट्स हो गया आपका सिंपल, आपका ब्रान आटा हो गया सिंपल वाला, रागी हो गया जिसके अंदर कैल्शियम भी इतना है, बाजरा हो गया जिसके अंदर आयरन है. तो दिस टाइप ऑफ सिंपल डाइट्स जो कि हम जनरली पहले भी खाते थे बट वी वर नॉट नोइंग इट, हम मल्टीग्रेन आटा यूज कर सकते हैं. इसी तरीके से हम फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनका जो नेचुरल फाइबर है दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस. इवन ओमेगा 3 इज वेरी गुड इफ वी टॉक अबाउट पीसीओडी. तो ओमेगा 3 आपका फ्लैक्स सीड में, चिया सीड में, देन आपका अगर कोई फिश खाता है तो फिश में, इन सब चीजों में आता है, वॉलनट्स में, नट्स में, तो दे कैन इजिली कंज्यूम दोज थिंग्स ऑल्सो. तो इसलिए डाइट कोई बहुत स्पेशल नहीं होती, बट हाँ कुछ कुछ चीजों को हम देखते हैं कि ओवरी के हिसाब से हमें क्या क्या चीजें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो दैट वी हैव टू पुट इन दी पीसीओडी क्लाइंट्स. तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है बट इतना नहीं है कि आपका होगी पीसीओडी की कंप्लीटली 360 डिग्री डिफरेंट डाइट. डाइट सिमिलर है बट चेंजेस बहुत सारे हैं. जैसे मैं आपको बताती हूँ सिंपल चीजें, स्पाइसेस की बात करते हैं हम. स्पाइसेस जो है पीसीओडी के लिए, कई बार आप कहते हैं कि दालचीनी, दैट इज अ सिनेमन, इज वेरी गुड. तो अगर आप वो लेते हो, हाफ टी स्पून ही लेना है आपको, तो कंज्यूम करते हो ग्रीन टी के साथ ही या जनरली कभी भी, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प इट. या फिर हल्दी है, टर्मरिक इज ऑल्सो वेरी गुड इन दैट कंट्रोलिंग इट. एंड मेथी सीड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो मैं बोलूँ घर में ही, किचन में ही स्पाइसेस हैं जो कि आप आराम से यूज कर सकते हो एंड दे विल लोअर योर, क्योंकि ये क्या करते हैं, शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल को कम करते हैं. जब वो इंसुलिन लेवल कम होता है तो कहीं ना कहीं आपकी पीसीओडी ठीक होने पे. तो मैम एनी काइंड ऑफ हर्ब्स व्हिच यू कैन टेल अस जो हमें हेल्प करते फॉर गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, विच कैन हेल्प अस आउट? यस, सो जैसे आई हैव सीन दिस शी बैलेंस, आई थिंक सो इट इज रिकमेंडेड इट्स फ्रॉम योर साइड की आई हैव गॉट दिस टैबलेट्स आल्सो, सो दैट इज वेरी गुड बिकॉज इट हैज सो मेनी हर्ब्स एंड इट इज अ नेचुरल थिंग. क्योंकि व्हाट आई हैव सीन इज कि नेचुरल प्रोडक्ट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज आई एज अ आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर आई नो कि कुछ चीजें आपको स्पाइसेस हर्ब्स जो दे सकती हैं वो आपको कई बार ऐसी चीजें नहीं देती जो एलोपैथिक में होता है, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है. जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं तो कहीं ना कहीं वो वेट गेन भी कर देती है लोगों का, तो दे जस्ट डोंट वॉन्ट टू ईट दोज पिल्स.
बट अगर कुछ प्रॉब्लम ज्यादा सिवियर है तो डॉक्टर ही ट्रीट करेगा, दैट आई नो. बट अगर आप कुछ चीजें ठीक करना चाहते हैं एंड यू वांटेड इट एट अ नेचुरल पेस कि वो अपने आप ही ठीक हो जाए एंड सिंपल हर्ब स्पाइसेस से हो सकता है, तो यू कैन गो फॉर दैट. तो इसके अंदर जैसे मैंने देखा है कि इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स है, लोधरा है, अशोका है, देन इट हैज जापा, मुस्था, देन मजिष्ठा इज देयर, गोरख मुंडी इज देयर. तो दीज आर सिंपल सिंपल हर्ब्स विच आर प्रेजेंट देयर. And so even it reduces hormones pain also, like japa, ashoka, it helps to reduce the pain also. So that is good. That's why, na? So jab ye pain kam karenge, ab periods mein problem kahiyon ko, dekho periods ki bhi problem kitni sari hoti hai ki kahiyon ko hota hai ki bahut zyada bleeding ho jati hai, kahiyon ko bilkul nahi hoti, kahiyon ko 10 days mein dobara repeated ho jati hai, कईयों को एक एक महीना के तीन तीन महीने तक पीरियड्स नहीं आते. तो देयर इज पीसीओडी में, ओडी में भी इतनी मेजर वैरायटी है ना, यू कैन से कि यू कांट से कि एक ही टाइप की सबको है. तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हार्मोन. इवन वी हैव अ क्वेश्चन लाइक इट इज समवेयर, मुझे भी ये क्वेश्चन आपको पूछना था कि लाइक शुगर, डू वी नीड टू अवॉइड शुगर इफ वी हैव अ पीसीओडी प्रॉब्लम लाइक? यस वी शुड, बिकॉज शुगर कहीं ना कहीं मैंने बताया ना कि इंसुलिन से रिलेटेड है ना पीसीओडी. अगर आप इंसुलिन सेंसिटिविटी की बात करोगे तो आपको आपका ब्लड शुगर लेवल्स और इंसुलिन हार्मोन को बैलेंस करना है. तो वहां पे आपको करना ही पड़ेगा कि आपको शुगर अवॉइड करना है. अगर वेट गेन भी करना है और पीसीओडी है तो भी शुगर अवॉइड करनी है, तब आप उसमें सोर्स यूज कर सकते हो जैगरी, ताकि कम से कम आपका आयरन तो जाएगा. लेकिन अगर आपको वेट गेन हो रहा है और आपको वेट लूज करना है तो शुगर, जैगरी सब कुछ बंद कर, यानी कि फिर आप जागरी ले सकते हो. और शुगर के साथ और भी प्रॉब्लम्स है, खाली पीसीओडी नहीं. इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड इन एनीथिंग. ये नहीं कह रही मैं कि आप खाली पीसीओडी में ही शुगर अवॉइड करोगे. एनीथिंग मतलब शुगर इज एम्प्टी कैलोरीज, इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल इन वेट लॉस में. भी हम कहते हैं तो शुगर तो सबसे पहले बंद करते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा, वो आपको एम्प्टी कैलोरीज दे रहा है. इससे अच्छा आप कुछ अच्छा खाओ ना, डेट्स खा सकते हो, डेट्स में नेचुरल शुगर है. फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स इतने मीठे होते हैं तो आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो. आगे आगे आप गर्मी आएंगी तो मैंगो भी अगर आपको लेना चाहते हो तो थोड़ा सा मैंगो ले सकते हो, दो तीन स्लाइस की, शुगर क्रेविंग ना हो. तो नेचुरल फ्रूट्स की तरह इवन दिस कैन हेल्प लाइक हमारे एक्ने जो होते हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं विद दिस, लाइक हम एक डाइट फॉलो करके या फिर नेचुरल फ्रूट्स लेके विद दिस सप्लीमेंट्स, बिकॉज समटाइम्स सप्लीमेंट्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. दैट्स ट्रू. तो कभी मैं बोलूँ ना, जहाँ पे जितनी मेजोरिटी ऑफ डिसीज है, जहाँ पे जितनी प्रॉब्लम्स है, दैट इज ऑलवेज अंडरस्टूड कि पहले आप अपने टेस्ट कराओगे. अगर आपको टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, उसके बाद भी सिम्टम्स है, देन वी हैव टू ट्रीट दैट लाइक दैट. कि हम एक नेचुरल सप्लीमेंट दे देते हैं आपको. साथ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो मैंने अभी तक नहीं बताया वो है वाटर का. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग. तो एक्ने की जब आपने बात की तो एक्ने के लिए तो वाटर इज द, मतलब डिटॉक्स वाटर्स की बात करें या नॉर्मल वाटर की बात करें तो दैट इज द मेजर थिंग जो आपके एक्ने को कंट्रोल कर सकता है. अगेन फाइबर एंड वाटर, दीज टू थिंग्स आर वेरी गुड टू कंट्रोल एक्ने. तो अगर अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि पीसीओडी में मिल्क भी रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए. अब इसका रीजन क्या होता है, ये भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि वाई मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड इन पीसीओडी. तो दिस इज बिकॉज की जो मिल्क के अंदर लैक्टोजन होता है एक, तो दैट इज अ प्रॉब्लम. अगेन शुगर का एक फॉर्म आ जाता है. दूसरी चीज होती है मिल्क जब हम प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स काउ मिल्क या बफेलो मिल्क, कोई भी मिल्क आता है, तो वो आजकल क्या हो रहा है जनरली उनको इंजेक्शन देकर वो मिल्क कर रहे हैं. इट इज नॉट अ नेचुरल सोर्स की आप जनरली मिल्क ले लेते हो, तो वो कहीं ना कहीं हार्मोन ट्रीटेड वाला मिल्क हो गया. तो वो आपको हार्मोन प्रॉब्लम करेगा ही करेगा. तो दैट इज अ पार्ट कि आप क्यों नहीं मिल्क लेना चाहिए. तो मिल्क को इसलिए अवॉइड करना चाहिए, अगर पीसीओडी सिवियर है तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए मिल्क. इसकी जगह आजकल आलमंड मिल्क आने लग गया है, वो ले सकते हो. कर्ड फिर भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिकॉज कर्ड में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस आपका एक आ जाता है बैक्टीरिया, जिसकी वजह से वो आपका प्रोबायोटिक बन जाता है. दैट इज अगेन वेरी गुड फॉर. ओके मैम, सो आई होप सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो दे कैन आस्क, सो मैम कैन हेल्प अस आउट विद दैट प्रॉब्लम आल्सो. I think so. One question is there. Madhav Meenakshi is she's asking, ma'am, हमें कौन सा salt use करना चाहिए? अब हम जब salt की बात करते हैं तो salt depend करता है कि आपको क्या problem है. Suppose आपको thyroid है and फिर आपका सेंधा नमक बहुत अच्छा रहता है, rock salt जो हम कहते हैं वो बहुत अच्छा रहता है. अगर आपको कोई deficiency नहीं है, iodine वगैरह सब ठीक है, then you can use it. कई बार iodine deficiency भी होती है लोगों को,
तो जो नॉर्मल सॉल्ट आता है ना, जिसमें आयोडीन रिच सॉल्ट आता है, तो वो आप यूज कर सकते हो. नहीं तो आप पिंक सॉल्ट यूज कर सकते हो. तो आई नो दिस थिंग कि आप कौन सा सॉल्ट यूज करोगे. यू कैन कीप ऑन चेंजिंग द सॉल्ट ऑल्सो. जैसे हम कहते हैं ना, ऑयल भी चेंज करके यूज करना चाहिए. ऑयल भी शुड नॉट बी यूज कि आप खाली अगर पीनट ऑयल यूज करो तो वही यूज करो, ऐसा नहीं होता. वाई इज दिस, आई वॉन्ट टू आंसर दिस ऑल्सो, क्योंकि सब ऑयल्स में अलग अलग एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं. हमारी बॉडी को हर कुछ चाहिए होता है. तो कई बार कईयों की मिसकंसेप्शन होती है कि फैट हम खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता. वो भी हमारी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है जो हमें फुलफिल करनी पड़ती है. तो कभी आपने पीनट ऑयल यूज कर लिया, कभी आपने ऑलिव ऑयल यूज कर लिया, कभी कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन कर लिया, कभी घी यूज कर लिया, कभी सरसों का तेल. तो यू शुड कीप ऑन चेंजिंग ऑयल्स, एंड ऐसे ही आप सॉल्ट भी चेंज कर सकते हो अगर कोई डिफिशियंसी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कभी सेंधा नमक यूज कर लिया, कभी पिंक सॉल्ट, कभी नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट यूज कर लिया. तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो. थैंक यू मैम.